बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन से हो रही किल्लत से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जल्द से जल्द लगाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए पीएम केयर फंड से पैसे दिए जाएंगे। इन प्लांट्स के जरिए जिला स्तर पर ऑक्सीजन सप्लाई में मदद मिलेगी। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो लगाने की बात कही जा रही है, अब ये फैसला लिया गया है, अगर अमल में आता है तो कब तक ये लग पाएंगे, कब तक शुरू हो सकेगा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन? रुमाना, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने निर्णय लिया है कि देश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो गवर्नमेंट के सरकारी हॉस्पिटल में ये 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा कार्रवाई भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रोसेस तुरंत शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये लगा दिए जाएंगे और माना जा रहा है अगले 1 से 2 महीने के अंतराल, 1 महीने के अंतराल ये सारे के सारे सेटअप लगने शुरू हो जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा और कुछ जल्द से जल्द तैयार भी कर लिए जाएंगे। दरअसल ये इसलिए ये किया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की क्राइसिस लगातार हो रही है, बड़े जो प्लांट्स हैं उनसे ऑक्सीजन सप्लाई में देरी हो रही है, इसके लिए सरकार ने ये तय किया है कि जब जिले के अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, जब उसमें खुद का ऑक्सीजन प्लांट रहेगा तो बहुत ज्यादा सिलेंडर्स और बाहर से ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पीएम केयर फंड से पैसा रिलीज किया है और ये प्रोसेस आज से ही ये शुरू भी हो गया है। इसका पैसे का प्रोसेस शुरू हो गया है, वेंडर्स जल्दी एलोकेट हो जाएंगे और माना जा रहा है अगले 15 दिन से 1 महीने के अंतराल में इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, फैसला तो बड़ा है और देश को इसकी जरूरत भी है, लेकिन अब ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये फैसला पहले नहीं ले लिया जाना चाहिए था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। डॉक्टर के सेठी कार्डियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर एचएस छाबड़ा मेडिकल डायरेक्टर हैं इंडियन स्पाइनल इंजरीज में, और डॉक्टर डी के बलूचा निदेशक हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के, डॉक्टर अशोक सेठ चेयरमैन फोर्टिस अस्पताल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले डॉक्टर अशोक सेठ को आना चाहिए। सर, ये जो फैसला अब लिया गया है सरकार की तरफ से, हम एक साल से तो इसी की तैयारी कर रहे थे ना, क्या तैयारियों में ये कमी है, पहले ये कदम उठा लिए जाने चाहिए थे? जी हाँ, हाइंडसाइट तो 2020 ही होती है और ये भी कहूँगा कि इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर है। अब जैसे आप समझ रहे हैं कि हमारे अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, आज सवेरे ही ट्वीट हमने किया था। इसे आई थिंक हम लोग सब अनप्रिपेयर्ड थे। यस, हर तरफ से जिस हिसाब से ये वेरिएंट स्ट्रेन ने हमें ओवर पावर किया है, चाहे हमने वेस्ट में देखा था, बट हमारी रियलाइजेशन एक तो केयरलेस कैलेसनेस थी, दूसरा किसको ब्लेम करें, आफ्टर ऑल सब भी इसमें, हम लोग भी इसमें शामिल हैं, जबकि हमने भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे, हमारे एक्सपर्ट्स भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाए थे कि ये स्थिति पहुंचेगी जिसमें कि कंट्री में ऑक्सीजन होते हुए भी शॉर्टेज पड़ेगी हमें, क्योंकि दिल्ली में क्लियरली। डॉक्टर सेठ, आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, वैसे भी ये हालात जिस तरीके के हैं, मुझे लगता है हमें अपनी ऊर्जा इस वक्त बचा कर रखनी चाहिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की, लेकिन अभी की स्थिति क्या है एक बार जरा सभी डॉक्टर्स के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि वो सभी बड़े बड़े अस्पतालों से जुड़े हुए हैं कि उनके अस्पतालों में कैसी स्थिति है। आपने बताया आपके अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत है। डॉक्टर के सेठी, आपके अस्पताल में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर क्या पोजिशन सर? देखिए, हम लोग आवर टू आवर ऑक्सीजन के साथ चल रहे हैं जी। इस वक्त हमारे पास करीब 6 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट सप्लाई आ जाएगी, ठीक है सर। डॉक्टर छाबड़ा, इसी उम्मीद से हॉस्पिटल चल रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की शॉर्टेज तो है बाकी हॉस्पिटल्स की तरह, बट हमारी मैनेजमेंट पूर्ण तरीके से ऑक्सीजन के अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रही है और अभी तक हम मैनेज करते रहे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सहयोग से ये मैनेज करते रहेंगे और इसके कारण कोई पेशेंट्स पे आपत्ति नहीं आएगी। ये कहना चाहूँगा, जैसे कि कह रहे थे, ये खाली किसी एक स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को की सप्लाई को मेंटेन करें,
ये एक डिजास्टर सिचुएशन है जिसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे. क्यों हुआ ये बाद में हमें सोचना होगा ताकि आगे दोबारा ना हो. अभी हमें ये देखना हमें क्या करना है मिलके ताकि डिजास्टर से यादा जाने ना जाएं. और इसके लिए हर स्टेक होल्डर को अपना रोल निभाना है ताकि ऑक्सीजन सब पे पहुंच सके. तो हम जरूर सफल होंगे अगर हर कोई अपना रोल इसको बखूबी निभाए. बिल्कुल सर, बहुत पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं कि अब हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ से आगे हम क्या कर सकते हैं ताकि जाने बचाई जा सके मरीजों की. आप देख सकते हैं डॉक्टर डी के बलूजा, निदेशक जयपुर गोल्डन अस्पताल के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में. डॉक्टर बलूजा, अभी ऑक्सीजन को लेकर क्या पोजीशन है सर आपके अस्पताल में? कुछ सप्लाई जो है वो बेहतर हुई है कल के मुकाबले अब? डॉक्टर बलूजा, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? मैं जी जी डॉक्टर बलूजा बताइए. मुझे बेटा म्यूट तो नहीं है देख. एबल टू लिसन टू मी? कैन यू लिसन मी? जी जी मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत आ रही है. इसको ठीक करके हम दोबारा से डॉक्टर बलूजा का रुख करेंगे. एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं डॉक्टर अशोक सेठ के पास, चेयरमैन फोर्टिस अस्पताल जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. डॉक्टर अशोक सेठ, अब इन हालात में क्या किया जाना चाहिए? कई कई रास्ते हैं और एक तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट इस टाइम पे प्रोएक्टिव है. सेंट्रलाइज्ड जो कोऑर्डिनेशन हुआ है उससे हमें मदद मिल रही है. जी हाँ, हम लोग अभी भी कहते हैं कि हम कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन के सहारे रह रहे हैं, बट लकीली अब तक वो सिचुएशन में हम नहीं पहुँचे कि किसी भी टाइम पे पिछले 3-4 दिनों में जो सिचुएशन हुई है कि हमें ऑक्सीजन न मिल सके. ज़रूर टाइम पे पहुँच रही है और वी आर होपिंग एंड क्लियरली सबको सेंसिटिविटी हो गई है, सेंसिटाइजेशन हो गई है. सिर्फ एक स्ट्रीम लाइनिंग और कोऑर्डिनेशन की बात है और वो कोऑर्डिनेशन अब ग्रेजुअली आ रहा है क्योंकि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था. अनफॉर्चुनेटली ये ऑक्सीजन यहाँ तो बनती नहीं है, दिल्ली में दूर से आती है, ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है, बट आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट सब कोशिश कर रही है कि किसी तरह ट्रांसपोर्टेशन हो, ये पेटी पॉलिटिक्स जो स्टेट की थी वो ख़त्म हो और ये ऑक्सीजन एटलीस्ट दिल्ली में पहुँचे जहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. पूरे देश में है बट कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, बट दिल्ली में तो ये एक्यूट प्रॉब्लम है. दूसरी तरफ से जैसे सब कोई कह रहे थे कि हमें अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि ऑक्सीजन किस तरह से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो. आफ्टर ऑल अगर हमारे पास 2 घंटे की रह गई है तो हम किस तरह उसको 4 घंटे या 5 घंटे बढ़ा सके जब तक कि हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर ना पहुँचे. तो इसीलिए हर अस्पताल ने इस टाइम पे ऑप्टिमाइजेशन ये देखने के लिए कि जैसे हर कोविड पेशेंट को 94 से 98% सैचुरेशन तक नहीं पहुंचाना होता है, हम 90 से लेके 92 सैचुरेशन पे भी पेशेंट को अच्छा रख सकते हैं. घर में पेशेंट को एहसास दिलाना कि हर एक को ज़रूरत नहीं है एडमिशन की. प्रोन लेटने से, उल्टा लेटने से भी ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटर हो सकती है. हाई फ्लो नेजल जो कि 50 लीटर्स पर मिनट यूज़ करते हैं उनको हम कम करके कैसे उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं. नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन किस तरह से कम ऑक्सीजन पे कर सकते हैं. हम लोगों ने सब ने मिलके एक ऑडिट रोज़ की कर रहे हैं कि कितनी हमारी यूटिलाइजेशन होती थी, कितनी अब हो सकती है, कितने कम कर सकते हैं. बट रियली डेस्परेट सिचुएशन तो ये हो गई है कि हमें एडमिशन्स बंद करनी पड़ी जी. और वो आई थिंक दूसरों ने पता नहीं, दूसरे भी वही सिचुएशन पे पहुंच रहे, बट हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं. एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट पे, फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट पे पहली बार लाइफ में ऑफ एनी हॉस्पिटल, एटलीस्ट फॉर फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, कहा गया है कि हॉस्पिटल एडमिशन अब नहीं हो सकती क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो पेशेंट एडमिटेड है हमें उनके लिए ऑक्सीजन प्रिजर्व करनी है. ये अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है और ये दिखाता है कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं कि अस्पतालों को मरीजों के लिए अपने दरवाजे बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि प्राणवायु नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है. डॉक्टर दीपक नाम जोशी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं. सर मैं आऊंगी आपके पास, एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास. मुंबई से एक और डॉक्टर दीपक नाम जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका भी एक रिएक्शन लेते हैं. मुंबई में किस तरीके की आप तस्वीर देख रहे हैं और दर्शकों को आप क्या बता पाएंगे ऑक्सीजन को लेकर इसी तरीके की किल्लत जिस तरीके की दिल्ली में? डॉक्टर दीपक,
हेलो यस हेलो यू कैन लिसन मी मैडम। डॉक्टर दीपक आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? डॉक्टर दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से मुझे लगता है हमें बात करने की कोशिश करनी चाहिए। बलूजा साहब अब मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर डीके बलूजा, हाँ जी आ रही है जी। डॉक्टर बलूजा अभी जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई स्ट्रीमलाइन हो गई है सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है या अभी भी सांसें थमी हुई है? सांसें तो खुली है कई दिनों से। एक्चुअली ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो एक तो इररेगुलर, इनएडुकेट, शॉर्ट और सबसे ज्यादा इररेटिक है। इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत यह आती है, अगर मान लीजिए आप मुझे मेरा 3.6 मेट्रिक टन का कोटा इकट्ठा नहीं दे सकते, आप मुझे 900-900 लीटर करके चार बारी दे दीजिए, लेकिन मुझे एक सर्टेनिटी होनी चाहिए। इट इज द अनसर्टेनिटी जो हमें दहशत कर भी ला देती है, हम लोग कॉफ पहने, ये अनसर्टेनिटी की वजह से हो जाता है। हर चार छह घंटे हर एक फिल के बाद दूसरा फिल कब होगा हमें नहीं पता। इसमें एक शॉर्टेज के साथ ये जो अनसर्टेनिटी है ये एक बड़ा डेडली मिक्सर बन जाता है। और दूसरे में आपकी बात सुन रहा था कि जैसे मेरे पास हॉस्पिटल में आज 200 मरीज हैं और 164 ऑक्सीजन पे हैं, मेरी ऑक्सीजन चलेगी 7 बजे तक। 7 बजे के बाद क्या होगा ये इस चीज का मैं मतलब किसी किस्म का तबस्सुर भी नहीं कर सकता कि क्या होगा। मुझे नहीं पता कि मेरी सप्लाई 6 बजे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि एक हम कांड ऑलरेडी भुगत चुके हैं इसके चक्कर में। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम सारे लोग बात कर रहे हैं, मेरे पास इतने कॉल आते हैं कि डॉक्टर साहब एडमिशन के लिए 500 कॉल रोज आती है मेरे को, लेकिन मैं एडमिशन कैसे करूं? मेरे पास जो अंदर 200 पेशेंट है मैं उनको नहीं संभाल पा रहा, लेकिन उन बारों को उस पॉपुलेशन का सोच के मुझे बड़ा कम्युनिटी का दुख होता है। क्या हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रही है इस ऑक्सीजन ना हो या इरेटिक होने की वजह से? वो उन लोगों की संख्या हजारों लाखों में होगी। ये एक कम्युनिटी प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की प्रॉब्लम तो है ही है। हमने हॉस्पिटल को ऑन किया है, सरकार ने कम्युनिटी को ऑन किया है, बाकी सरकारों के लिए प्रदेश है, देश है। ये इस प्रॉब्लम को हमें सबको इकट्ठा होकर इसका किसी बेहतरी और सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए हमारे को कि इस क्राइसिस से हम कैसे बाहर निकले। ठीक है, एक अच्छी प्लानिंग। अब सवाल ये कि आप लोग सब एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग ही शायद बेहतर सुझा पाएंगे कि किस तरीके से इस सिचुएशन से उभरा जाए, समाधान क्या निकले, क्योंकि अब नए ऑक्सीजन प्लांट्स जो लगाने की बात की जा रही है वो भी फौरन चुटकियों में तो बनकर तैयार हो नहीं जाएंगे, उनमें भी करीब 1-2 महीने का समय लगेगा बनने में, तब तक क्या किया जाए? यहां तो एक एक मिनट एक एक पल भारी पड़ रहा है मरीजों पर। देश के बड़े जाने माने डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ। डॉक्टर के सेठी का रुख करते हैं और जरा उनसे समझते हैं कि सर इस बार ये जो वायरस का बदला हुआ रूप है क्या उसकी वजह से ये सिम्टम्स की सांस लेने में ज्यादा तकलीफ, लोगों को ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट की लोगों को जरूरत पड़ रही है, ये देखने के लिए मिल रही है क्या? जी हाँ, ये सही कहा आपने, पिछली बारी जिस तरह का एपिसोड था उससे ये काफी फर्क है और पहले से तेजी से फैल रहा है और इसका इंक्यूबेशन टाइम भी कम है। जैसे पहले कोई आज इन्फेक्शन ले ले तो उसको सिम्टम आने में 2 से लेकर 7-8 दिन लग जाया करते थे, अब ये जो है 2-3 दिन में लोग सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। फिर दूसरा, बुखार की जो ड्यूरेशन है वो बहुत लोगों में बहुत थोड़ी है, तो वे ये समझते हैं कि उनको कोई खास तकलीफ नहीं है और अचानक 2 दिन के बाद फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। और तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स का जो RT-PCR टेस्ट होता है वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उससे बहुत लोग ये समझते हैं कि फॉल्स सेंस ऑफ रिलीफ हो गया, हमें कोरोना नहीं है। ऐसा सही नहीं है, इसके लिए डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो प्रॉपर सिम्टम्स समझ के बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ऐसी होती हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो काफ़ी सक्सेसफुली कि ये वाकई में कोरोना है, चाहे RT-PCR नेगेटिव है। और डिले हो रही है मेडिकल हेल्प सीक करने में, लोग घर पे खुद ही इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि व्हाट्सएप के ऊपर एक कोई प्रिस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो घूम रहे हैं, एक किसी पेशेंट के लिए गए, सब लोगों ने उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है बिना ये जाने कि वाकई में ये सही चीज है कि नहीं। तो डॉक्टर, और डेफिनेटली ये जो वेरिएंट आप इम्पोर्टेंट बात जो कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ। डॉक्टर एच एस छाबड़ा, मतलब कोई एक ब्लैंकेट प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए जो लागू है ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि हम तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई डॉक्टर्स हैं जो अपने हैंडल से कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं उनका मैसेज जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, या फॉरवर्ड डॉक्टर्स की तरफ से भी किया जा रहा है सर कि आप ये दवा ले सकते हैं अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हो, ऐसा कुछ है या नहीं है?
नहीं, ये तो गलत नहीं होगा कहने के लिए कि बहुत सारे लोगों का घर इलाज हो सकता है, पर उसको एक बार पहले उसकी डिजीज सिवियरिटी कितनी है वो एक बार मेडिकली एग्जामिन किया जाए, डिजीज सिवियरिटी के हिसाब से देखा जाए। अगर मॉडरेट या सीवियर डिजीज है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। ज्यादातर माइल्ड डिजीजेज हैं जो घर में भी देखी जा सकती है, बट उसमें भी मॉनिटरिंग की जरूरत है। उसमें भी जरूरत है कि अगर सैचुरेशन गिर रहा हो आप मॉनिटर कीजिए तो फॉरन मेडिकल हेल्प लीजिए, और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। पर इसमें एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए यूज हो सकता है ये बिल्कुल गलत होगा कहना। मेडिकल एडवाइस में ही चलना चाहिए। ऐसी डिजीज जिसमें इतनी अनसर्टेनिटीज हैं कि जिसमें डॉक्टर्स भी धोखा खा जाते हैं, उसमें आम जनता कैसे पहचान सकेगी कि उन्हें माइल्ड डिजीज है या मॉडरेट डिजीज है कि सीवियर डिजीज है। तो जरूर मेडिकल राय लीजिए, और मेडिकल राय के हिसाब से अगर आप घर में ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट के लिए आप ठीक पाए जाते हैं, जैसे कि काफी लोग पाए जा सकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको क्या मॉनिटर करने की जरूरत है, क्या मेडिकेशंस लेनी है। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो जितने ऑप्टिमम टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन हो उतना बेहतर रिजल्ट आता है, जितना डिले हो उतना फिर सीवियरिटी बढ़ती है, उतना ट्रीट करना मुश्किल होता है। यही तो दिक्कत है, वायरल रेप्लिकेशन आप जो बात कर रहे हैं सर, यही तो दिक्कत है। और वो दिक्कत बेहतर तरीके से बता पाएंगे डॉक्टर अशोक सेठ, जो कुछ देर पहले भी ये बयां कर रहे थे कि साहब मरीज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भर्ती कर लो, लेकिन हम भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। तो घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है कि स्वास्थ्य ढांचा है कहां सर, हेल्थ सिस्टम क्या कोलैप्स हो रहा है इस देश में डॉक्टर सेठ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि समझने की कि 90% पेशेंट्स को एडमिशन की जरूरत नहीं होती है, ट्रीट होते हैं घर पे जी। बट हम पैनिक भी बढ़ा रहे हैं, और हमें पैनिक को खत्म करना है। कुछ बातें कह के हम पैनिक बढ़ाते हैं, जिसमें कि ये भी है कि अगर 94% सैचुरेशन से कम हो तो आप इमीडिएटली घबरा जाएं, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल को रश करें। आपको पता होगा कि पिछली बार भी हॉस्पिटल्स भरे थे, बट उस वक्त हमारे पास एटलीस्ट 40% पेशेंट्स माइल्ड डिजीज के होते थे। इस टाइम जो भर रहे हैं वो सब सीरियस, मॉडरेट टू सीरियस डिजीज से भर रहे हैं हमें। और कई इतने पैनिक इसलिए कर रहे हैं कि जब वो देखते हैं कि 94% है तो वो सोचते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बेड नहीं मिला तो आज से ही घूमना शुरू कर दें, आज से ही बेड लेना शुरू कर दें, सो दैट हम कल तकलीफ में ना हो। रियली अब तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। एजुकेशन, वो सही कहा गया कि डॉक्टर के साथ अब कंटैक्ट में रहिए, और अब हर जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, हर डॉक्टर राय देने को तैयार है। ये हमारी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, हमें नहीं फर्क पड़ता अगर हम 100 पेशेंट 100 फोन कॉल भी अटेंड करें, और फोन पे ही हम पेशेंट को बता दें क्या क्या करना है, तो वो रैंडम प्रिस्क्रिप्शन नहीं, 1-to-1 के बेसिस पे हम पेशेंट्स को घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, घर पे भी कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, और घर पे भी उनको बेटर कर सकते हैं, कम्फर्ट दे सकते हैं, एम्पथी दे सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। सेकेंड बात यह है कि अब तो हम कहते हैं कि 90-93% सैचुरेशन भी आपके लिए ठीक है। अगर आपकी सैचुरेशन अपने बेसलाइन से 4% कम हुई है तो ठीक है। जरा मेथडोलॉजीज जो अब हम सिखा रहे हैं कि आप प्रोन लेटें, आप ऑक्सीजन को बढ़ाएं, पैनिक न करें, फिर से चेक करें, फिर से देखें, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से देखें, लंबी सांस लें, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाय द वे, माइल्ड सिम्पसम से तो 90% लोग, चाहे हम वो दवाइयाँ कहें, एक्चुअली वेस्ट पे तो कोई दवाइयाँ भी नहीं दी जाती हैं, ऑटोमेटिकली आइसोलेशन। सर आप लोगों की बातें सुनकर ना अभी यकीनन जो दर्शक हैं उनका हौसला बढ़ रहा होगा, उनका मनोबल बढ़ रहा है। मुझे लगता है यही बातें लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की जरूरत है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, उसके बाद हम इस बातचीत को लगातार आगे जारी रखेंगे। और टिप्स दीजिए, और सुझाव और जानकारियां दर्शकों को दीजिए, ताकि इस पैनिक मोड, इस घबराहट से लोग बाहर निकले, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है भाई, कोरोना को हराना है। बड़े डॉक्टर्स देश के जो इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, लगातार हमारी बातचीत जारी है। मुझे लगता है जल्दी से जरा एक बार फिर से हमें रुक करना चाहिए डॉक्टर अशोक सेठ का, और उनसे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि सर आप लोग तो सब मरीज का इलाज करने का काम है ना, ड्यूटी निभाते हैं ना, लेकिन ये जिस तरीके से इस वक्त ऑक्सीजन की कमी, कि कहीं कॉल करनी पड़ रही है, चिट्ठी पत्री करनी पड़ रही है, देखना पड़ रहा है कितने घंटे का ऑक्सीजन रह गया है, किस तरीके के दबाव में, किस तरीके की बेबसी इस वक्त आप लोग महसूस कर रहे हैं? देखिए,
पिछले एक साल से हम लोग कोविड को लड़ रहे हैं और एक इंटेंट से, एक पैशन से, एक मिशन से, एक कमिटमेंट से, एक सेक्रीफाइस से हर फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर लड़ रहा है। बेबसी तब होती है जैसे ये सिचुएशन में या तो दवाइयां ना मिलें जी, और स्पेशली ऑक्सीजन जिसके ऊपर ये कोविड पेशेंट्स की सर्वाइवल डिपेंड करती है, उसमें तो बहुत ही अफसोस होता है क्योंकि ये लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये हम देखते हैं दृश्य उनमें नहीं जो अस्पताल के अंदर हैं, बट हमारे जो अस्पताल के बाहर हैं, इमरजेंसी में हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं और हम उनको एडमिट नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। वो दृश्य कल देश ने देखा, दिल्ली का जयपुर गोल्डन अस्पताल, वहाँ की डॉक्टर बलूजा साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। डीके बलूजा जी, आपके तो अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल ऐसा भयावह हादसा हो गया सर। डॉक्टर बलूजा, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, डॉक्टर बलूजा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर दीपक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक नाम जोशी, मुंबई में भी इसी तरीके की बेबसी सर, क्या डॉक्टर्स अस्पताल महसूस कर रहे हैं? हाँ, मोर ऑर लेस सिचुएशन पूरे देश भर सेम है। मुंबई में भी कोई अपवाद नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के अलावा इंजेक्शन मिलने के लिए और ऑक्सीजन की कमी खास करके बहुत परेशान कर रही है। मुंबई में ऑक्सीजन सप्लाई आ रहा है पर रेगुलरिटी नहीं है, तो खास करके जो सीरियस पेशेंट्स है जो वेंटिलेटर पे है उनको हम कितनी देर के लिए ऑक्सीजन दे पाएंगे वो कह नहीं सकते हैं। कोई की बार सिचुएशन ऐसे आती है कि लास्ट 2 घंटे का ऑक्सीजन बाकी है, 3 घंटे का ऑक्सीजन बाकी है एंड नेक्स्ट फ्लो कभी तक आता पता नहीं है, तो पेशेंट्स को शिफ्ट करना चाहेंगे, शिफ्ट करेंगे तो भी कहाँ करेंगे, वेंटिलेटर बेड्स इजीली अवेलेबल नहीं है, तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। अपार्ट फ्रॉम कोरोना की बीमारी जो लॉजिस्टिक्स अभी इन्वॉल्व है उसकी वजह से परेशानी और भी एग्जैजरेटेड लगती है, और भी मैग्नीफाइड लग रही है। डॉक्टर के सेठी, आमतौर पर अस्पतालों में कितना ऑक्सीजन का बैकअप रहता है सर, और ये जिस तरीके के हालात अभी देखने के लिए मिले हैं, क्या आपने कभी अपने करियर में इससे पहले इस तरीके की स्थिति, इस तरीके की सिचुएशन देखी है? और इसका तो यकीनन जो बाकी मरीज हैं दूसरी बीमारियों से जो लड़ रहे हैं, जिनको इमरजेंसी में ऑपरेशन चाहिए, सर्जरीज चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, ये तो सबको प्रभावित कर रहा होगा सर। हाँ, जिसमें 3 पहलू हैं आपके सवाल में जी। सबसे पहले तो ये है कि पिछली बारी जब कोरोना हुआ था या आज से पहले हमने इस तरह की ऑक्सीजन की किल्लत कम से कम दिल्ली में तो कभी नहीं देखी। दूसरा, जहाँ तक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का सवाल है, वो हर हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ, कितने आईसीयू बेड्स हैं और कितने क्रिटिकल पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर जितनी हमारी नॉर्मल हालात में ऑक्सीजन यूज़ होती थी, अब उसमें 10 से 12 गुना 10-12 times इंक्रीज़ हो गई है, इसीलिए परेशानी हो रही है। और जहाँ तक नॉन कार्डियक पेशेंट्स या दूसरे वाले जो नॉन कोरोना पेशेंट्स हैं जिनको दूसरी बीमारियां हैं, उनको तो दिक्कत है ही, क्योंकि बहुत सारे बेड जो हैं 80% बेड्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोरोना को दे दिए तो आपके पास सिर्फ 20% बेड्स बचते हैं, उसमें आईसीयू, बहुत सारे आईसीयूज़ यूज़ हो गए, नॉर्मल बेड्स की कमी पड़ जाती है। और काफ़ी हद तक क्योंकि कोरोना हॉस्पिटल में होता है, पेशेंट्स भी रिलक्टेंट होते हैं आने में, बहुत सारी इमरजेंसीज डील भी नहीं हो पाती, तो उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो अलग हैं। मेजर सर्जरीज हर जगह पे दोबारा या तो बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं या ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, क्योंकि इस वक्त सारा का सारा ध्यान जो है वो कोरोना मैनेजमेंट पे लगा है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि पैनिक अवॉइड करके ऑक्सीजन होल्डिंग ना हो। लोग कोशिश कर रहे हैं अपने घर में सिलेंडर्स रख लें, लाइनें लगी हुई हैं, कुछ कोई कंसंट्रेटर खरीद के घूम रहा है, यहाँ तक कहते हैं जी मैं अपना कंसंट्रेटर खरीद लाता हूँ, आप बेड दे दीजिए। पहली बात तो ये। दूसरी ये है कि हॉस्पिटल के अंदर भी हम लोग ऑक्सीजन को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको हम ऑक्सीजन नहीं देते। पेशेंट पैनिक होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है, और जो बाकी जिनको ज़रूरत है उनको भी मिनिमम ऑक्सीजन से, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको नॉर्मली 4 या 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चलती थी, उसको हम 1 या 2 लीटर पे ले जा करके उनकी सेचुरेशन मॉनिटर करते रहते हैं, और अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज में रहती है तो फिर उसको 91-92% से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम चलने देते हैं उनकी काउंसलिंग के साथ जी। तो ऑक्सीजन कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। इसमें मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, चाहे वो पब्लिक है चाहे हॉस्पिटल्स हैं, कि जहाँ पे भी किफ़ायत हो सके वहाँ पे इस्तेमाल करें।
और डॉक्टर छाबड़ा, लोगों को ये बताने की भी ज़रूरत है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। घर पर रहकर भी अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं। भारत का रिकवरी रेट अभी भी दुनिया के कई बड़े देशों से भी बेहतर है। डॉक्टर छाबड़ा, आपने सबको ये बहुत समझने की जरूरत है कि ये एक वॉरलाइक सिनेरियो है और इसमें हर किसी को अपना रोल अदा करना है, और जिस तरह गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का, इंडस्ट्री का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरह सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैनिक ना करें। ये सिचुएशन तो लास्ट चीज जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो है पैनिक। हमें आप सोच समझ के एक्शन लेना है, बेस्ट इंटरेस्ट में एक्शन लेना है, और जैसे बेस्ट मैनेज हो पाए वैसे करना है। तो आपने एक सवाल पूछा था कि कैसे हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हर कोई अपना रोल निभाए, जैसे गवर्नमेंट कर रही है कि कैसे सोर्स करें ऑक्सीजन, लॉन्ग टर्म प्लान की प्लांट्स लगाएं, बट शॉर्ट टर्म प्लान की जरूरत है कि जो इंडस्ट्रीज जहां ऑक्सीजन यूज होता है वहां बाकी जगह से बंद करके हॉस्पिटल्स को डाइवर्ट करें, वो स्टील इंडस्ट्री, केमिकल्स इंडस्ट्री, बाकी जगह से। इंटरस्टेट जो बैरियर्स आए थे, रोक लिया था लोगों ने, उसको रोके, और जुडिशियस यूज ऑफ ऑक्सीजन का रेगुलेशंस पास किए उन्होंने। ब्यूरोक्रेसी को देखना है कि ये सारा प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, ये जो रेगुलेशंस पास की गई हैं। इंडस्ट्री को देखना है, बाकी इंडस्ट्री को, कि वो कैसे, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, वो कैसे हॉस्पिटल्स को सोर्स कर सके अपना ऑक्सीजन, सामने आए और नॉर्मल एक अच्छे प्राइस में दे ताकि लोग अफोर्ड कर सके उसको। इंजीनियर्स का रोल है कि वो तरीके निकाले कि कैसे जुडिशियस यूज ऑक्सीजन हो सके। जैसे हमारे यहाँ सिलेंडर्स की कमी हो रही थी तो हमने एक वाई कनेक्टर्स बनवाए जिससे एक सिलेंडर से तीन तीन चार चार लोगों को हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते थे जब तक और सिलेंडर्स ना हो। हमने सेंट्रल सप्लाई के लिए ऑगमेंट किया ताकि बहुत सारे पेशेंट्स लिक्विड ऑक्सीजन से मैनेज हो सके। उसी तरह मीडिया का बहुत बड़ा रोल है लोगों में चेतना फैलाने के लिए कि पैनिक ना करें, और आप डॉक्टर से, टेली कंसल्टेशन से आप ट्रीटमेंट जरूर अपना इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, जरूरत हो तभी हॉस्पिटल जाएं, होर्डिंग ना करें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, रेमडेसिविर की होर्डिंग ना करें। बड़ी सलाह आप दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण टिप्स हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों को इससे फायदा जरूर उठाना चाहिए। डॉक्टर बलूजा का मैं रुख करना चाह रही थी। डॉक्टर जी के बलूजा, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी डॉक्टर बलूजा, कल देश ने देखा किस तरीके से आपके अस्पताल में वो त्रासदी, वो ट्रेजेडी हुई है। अब हालत क्या है सर? मतलब आपके बारे में मैं ये जानना चाह रही हूँ, देश ये जानना चाह रहा है कि साहब डॉक्टर्स, उनका काम तो मरीज का इलाज करना होता है। इस वक्त आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों की ऊर्जा जो है वो मैनेजमेंट के काम में ज़्यादा लगी हुई है कि इस अफसर को चिट्ठी लिख दो, उसको अपील कर दो कि साहब ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है? किस तरीके की हालत है सर इस वक्त? मरीजों का जो इलाज है वो, उसके दो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपको समझने चाहिए। जो मरीज एडमिट होता है उसको कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स देखते हैं, उनका इलाज करते हैं। कुछ लोग हेल्थ मैनेजमेंट में, जैसे मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ, यू नो एक डॉक्टर्स जॉब इज टू कीप द पेशेंट अलाइव, माई जॉब इज टू कीप द इंस्टीट्यूशन अलाइव। हम लोग सारे मैनेजमेंट वाले इसी में फंसे कि लॉजिस्टिक अरेंजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट कैसे करना है हमने। अब लेकिन ये है, मैं एक अस्पताल में, मैंने बड़े अच्छे डॉक्टर रखे, बड़ा अच्छा लॉजिस्टिक सपोर्ट है मेरे पास, वेंटिलेटर्स हैं, एनआईवी लगा हुआ है, बाईपैप्स हैं, हाई स्पीड नेजल कैनुलास हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये चीजों से भी मैं पेशेंट को नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि एक चीज है ऑक्सीजन, जो डॉक्टर बलूजा के कंट्रोल में नहीं है। मैं ना ऑक्सीजन बनाता हूँ ना मैं ऑक्सीजन बांट सकता हूँ, मेरे 20 आदमी मर गए इस चक्कर में, क्योंकि मेरे पास उसका कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल किसी और के पास है। इस उसके कंट्रोल पे मैंने विश्वास किया कि मुझे अभी आएगी, अभी आएगी। 24 घंटे का वायदा किया था आपको, 3.6 मेट्रिक टन लिख के दिया है दिल्ली सरकार ने, आपको मिलेगा 24 घंटे की जगह 8-8 घंटे लेट भेजी ऑक्सीजन कहां से मैं, और इतना बड़ा अस्पताल है, अपने रिजर्व भी लगा रखे हैं, 1.5 घंटा रिजर्व पे भी चलाया। बेबस महसूस तो कर रहे हैं। बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हो गई है कि ये 2-3 के गैप के अंदर थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, ऑक्सीजन फ्लो एकदम रिफ्लो हो गया सारा, नहीं तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। अब उसके बाद भी जो फिर रीफिल होता है वो होता है 1 टन, कभी आधा टन, कभी 1.5 टन,
मैडम ये जो अनसर्टेनिटी है ना इसकी, ये दिस इज किलिंग फैक्टर। इसमें हम तो क्योंकि ऑलरेडी इसको भुगत चुके हैं, हम इसमें हमें ज्यादा याद करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ चाहे दिल्ली सरकार है या भारत सरकार है, ये आपस में मिल बैठ के जो करना चाहते हैं, मेरे लिए ये है, मेरी दोनों से प्रार्थना है, एक हमारी माँ है एक हमारा बाप है, हमें अनाथ मत बनाइए प्लीज, जिसकी जो जिम्मेवारी है आप करिए, हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आपके रिजल्ट पे आपकी कमिटमेंट पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपने यहाँ जो बात कही है ना, उसी बात को सबको गांठ बांध लेना चाहिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी है, प्लीज हाथ जोड़कर आप सबसे ये विनती कि अपनी उस जिम्मेदारी को आप पूरा कीजिए, क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का है, ना ये वक्त राजनीति करने का है, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके खामियों को दूर करते हुए जल्द से जल्द जाने बचाने का है, जिस काम में हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं उन्हें सपोर्ट करने का है। ABP News आपको रखे आगे।